भैया लड़की को वहीं छोड़ के आया हूँ, गुंडों ने अगर उसे फिर से छेड़ दिया तो? अरे मैंने ऐसा सुनाया है उसे कि वो उस लड़की को ही नहीं जिंदगी में किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेगा। मैंने ही तुम्हें क्रिएट किया ये जानकर, एक तरफ तो भोलेपन का नाटक करके मुझसे मिलते हो और दूसरी तरफ आजाद बन के बहादुरी दिखा रहे हो। भैया थक गए, चाय पी लेते हैं। ऑर्डर प्लीज। जाके दो चाय लेके आ। 2/3। क्या हाल है आजाद साहब? मैं ठीक हूँ जी, मैं तुमसे इन्हीं के बारे में कह रहा था। केले का छिलका? नहीं, टमाटर। और आखिर में पुराना किला। एक बात कहूँ, आप जैसी सुंदर लड़की को वहाँ खंडरों में नहीं जाना चाहिए। ये तो मैं वहाँ था इसलिए कुछ नहीं हुआ, वरना। बहुत खूब, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। हाँ जी, एक्टिंग तो मेरे खून में है। जब इलाहाबाद में हाई स्कूल में पढ़ता था तब नाटकों में काम करके मुझे इनाम भी मिला है। इलाहाबाद में? हाँ, दो दिन पहले जब से रेलवे स्टेशन पर उतरा हूँ तब से मेरी परेशानियाँ शुरू। क्या कहा? दो दिन पहले ही रेलवे स्टेशन पे आके उतरे हो? नहीं 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 नहीं, वहाँ पे इसने गुंडों को नहीं मारा। उन लोगों ने पंगा लिया, मैंने मारा। वहीं कार पार्किंग से इसने गाड़ी की चोरी की। गाड़ी चोरी की? बाप रे बाप, मैंने जान के गाड़ी नहीं चुराई मैडम। जब ये गुंडों को मार के भाग रहा था तो पुलिस इसका पीछा कर रही थी, इसको बचाने के लिए मैंने गाड़ी चुराई और इसको लेके भागा। आप मेरी शक्ल देख के बताइए मैडम, क्या मैं चोर लगता हूँ? उस गाड़ी का क्या हुआ? हिल रोड पर छोड़ दिया, लेकिन पुलिस हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में गया तो पुलिस वहाँ भी पहुँच गई। और तभी मेरा यार जोरो की पोशाक में आके आपको घोड़े पे बिठा के ले गया। इस बीच आप कभी सुल्तान बाजार गए थे क्या? अरे आपको कैसे पता चला? मंदिर में कोई ब्रीफकेस भूल गया था, वहाँ एक 420 उसे हड़पना चाहता था, उसे मैंने संभाल के सुल्तान बाजार ले जाके लौटा दिया। सर चाय। इस तरह क्या सोच रही है, चाय पीजिए। ये बताओ, शहर में आजाद आजाद कह के कोई तहलका मचा रहा है, कभी उसके बारे में कुछ सुना? अरे वो कौन है भाई जिसने मेरा नाम ले लिया है, क्या आप उसे जानती हैं? खूब अच्छी तरह। वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, 22 खतरनाक गुंडों को मार दिया है उसने। ये बात है? शहर के रेलवे स्टेशन में उग्रवादियों ने जो बम रखा उसे हटा के लोगों की जानें बचाई हैं। अच्छा, और भी सुनो, 50 करोड़ के जाली नोटों को बम से उड़ा दिया। अरे बाप रे, आजकल ऐसे बहादुर भी होते हैं? आखिर वो है कौन, कहाँ रहता है? वो यहीं पर है, मेरे सामने बैठकर चाय पी रहा है। हाँ? वो कहीं ये तो नहीं? मैं? नहीं, 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 यही है ना? नहीं, बच गए। फिर कौन है वो? गरीबों के लिए मसीहा, गुंडों के लिए खौफ, पुलिस वालों के लिए मददगार। वो आजाद कोई और नहीं, तुम ही हो। भाई साहब, पुराने किले से पकड़े गए हमारे लोगों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल में रखा है और कल उन्हें अदालत में पेश करने वाले हैं। कौन है आप? विश्वनाथ, CBI। सर, CBI ऑफिसर विश्वनाथ आ रहे हैं। कौन सिर्फ एक आदमी अकेला आके 20 पुलिस वालों को मार के अपने 4 साथियों को आराम से छुड़ा ले गया। वो कोई मामूली गुंडा या कोई छोटा मोटा उग्रवादी नहीं हो सकता। ही इज पावरफुल, ही इज बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस। हू इज दिस बगा? वो कौन है? कौन है वो? कौन है वो? Hey,
हर कतुल अंसारी दाऊद। कुरान शरीफ पढ़ने वाले इस मुंह से मैंने गीता भी पढ़ा है। सिर्फ दुनिया के लिए मैंने भगवा पहना है, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से सब्ज हूं। पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाले हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए ही उस खुदा ने मुझे इस मुल्क में भेजा है। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मिसाइल हूं, मुजाहिदीन। लेकिन मुझे शिकस्त देने की जरूरत की है आजाद ने, उसे मरना होगा। खुदा कसम उस कमीने को मैं ऐसी मौत मारूंगा कि इस मुल्क में आज के बाद जिहाद के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठेगी। ये है आजाद के खिलाफ दाऊद का फतवा। फतवा फतवा आजाद 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 आजाद। ए महालक्ष्मी, दो घंटे से देख रही हूँ जल परी की तरह पानी में तैर रही है। चल बाहर निकल। आज मुझे पानी से निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। आज पानी बहुत मीठा लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा, लेकिन ये मीठा तुम्हें मुबारक हो। क्यों, क्या बात है? उधर देख। पानी गंदा करते हो, अब भी मजा चकाती हूँ मैं। अरे कहाँ भागते हो, रुक जाओ। हेलो, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम जेमिनी टीवी के हेलो आप कैसी हैं प्रोग्राम के लिए आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम महालक्ष्मी है। आप अपना कोई मनपसंद गाना गाइए। फिल्मी गाना छोड़ के मैं स्पेशल गाना गा सकती हूँ क्या? इलाहाबाद जिले की रहने वाली महालक्ष्मी स्पेशल गाना गाना चाहती है। स्टार्ट कैमरा। अरे नहीं, एक मिनट, अभी स्टार्ट। ये देखो, ऐसे हर रोज 200,000 लोग हमारे दफ्तर को लिख के पूछते हैं कि उनका आजाद कौन है। दुनिया को एक हीरो की जरूरत थी, उन्हें निचोड़ के उनका खून चूसने वालों से उन्हें बचाने के लिए एक सुपरमैन चाहिए था। अपनी कल्पना से मैंने एक हीरो की सृष्टि की और तुमने उसे रूप दिया। आखिर इस कैरेक्टर को मुझे क्रिएट क्यों करना था? उस पर दुनिया को भरोसा क्यों होना था? उसी नाम से तुम्हें यहाँ क्यों आना था? उन सभी घटनाओं में तुम्हें पात्र क्यों बनना था? हम दोनों को क्यों मिलना था? आजाद, ये सब इत्तेफाक नहीं, ये सब होना ही था जिसे कोई टाल नहीं सकता। I think you're a man of destiny. तुम हंस रहे हो आजाद, ये कोई जोक नहीं था। न जाने आप क्या क्या कह रही हैं और मैं क्या क्या सुन रहा हूँ। मैं आपके इस शहर में देश का उद्धार करने नहीं आया हूं, इसके लिए आया हूं। ये मेरी माँ और बहन की जरूरतों की लिस्ट है। एक हफ्ते के बाद मेरी बहन की शादी है। मैं चाहता हूं कि उसकी शादी धूमधाम से हो जाए। आपके इस आजाद की बहादुरी की कहानी बना के किताब छपाइए या फिर फिल्म बनाइए, बहुत खूब चलेगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो काम मुमकिन हो वो बताइए। यही तुम्हारा फैसला है? यही फैसला है। तुम अपना फैसला इन लोगों से कह सकते हो? ये देखो, इन्होंने अपने खून से तुम्हें चिट्ठियां लिखी हैं। इनके जज्बातों को ठोकर मार के, इनके भरोसे को चकनाचूर करके तुम जा सकते हो? बोलो आजाद, बोलो। दुनिया में बिना मिलावट का सिर्फ एक भरोसा ही रह गया है। भरोसे का फायदा उठाकर ही देश के बड़े बड़े नेता लोग जनता की लाचारी से खेलते हैं। अमीर लोग गरीबों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। अब आजाद के नाम से आप लोगों के जज्बात से खेल रही हैं, ये गलत बात है। लोगों के भरोसे के साथ मत खेलिए, मत खेलिए। मैं मानती हूँ, इसलिए तुम्हें सचमुच आजाद बनने के लिए कह रही हूँ। दुनिया से जुल्मों को मिटाने के लिए उस ऊपर वाले को भी 10 अवतार कम पड़ गए, तो मैं तो एक आम इंसान हूं। जुल्म करने वाले इस शहर में ही नहीं, इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। आजाद बनके मैं अकेला उनका क्या बिगाड़ पाऊंगा? इस खेल में कई लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, इसे यहीं खत्म कीजिए। इसी में आपकी भलाई है और मेरी भी। ठीक है, अब बताओ कि मैं क्या करूं। आजाद को मार डालिए। शहर में हर रोज कई लावारिस लाशें पड़ी मिलती हैं, उनमें से एक आजाद की ही है, ये साबित कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया अपने हिसाब से चलती रहेगी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ चंद हसीन लम्हे बिताए,
हम कभी कभार उन लम्हों को याद करेंगे। आजाद को एक ख्वाब समझकर आप भूल जाइए। कैसे हो बेटे? मैं अच्छा हूँ शास्त्री जी, आपकी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने कहा है आज ही ऑपरेशन करेंगे। फाइनेंस कंपनी से रुपए लेने के लिए आया हूँ। तुम गांव कब जा रहे हो? बस रुपए मिलते ही। अगले हफ्ते बहन की शादी है ना, बहुत सारे काम बाकी हैं। सब कुछ अच्छा ही होगा, सबके ऊपर भगवान जो है। अरे जी, बोल दिया ना, कितनी बार कह चुका हूँ, फिर वही बात। हमारा इस फाइनेंस कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा 3 महीने का किराया दिए बगैर ही रातों रात वो लोग भाग गए, बदमाश लोग। तुमसे बद पड़े तो उन चोरों को ढूंढ के पकड़ो। बेकार यहाँ हंगामा मत करो, जाओ जाओ यहाँ से। साहब साहब साहब, आज अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरे रुपए दीजिए, आपके हाथ जोड़ता हूँ, दया कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मेरे पैर क्यों पड़ता है, जाके पुलिस के पैर पड़ो। जाओ जाओ। हम अपना पैसा मांग रहे हैं तो धक्का क्यों दे रहे हो? तुझे अलग से कहना पड़ेगा। तो सुनो, ये कंपनी बोगस कंपनी है, इसका दिवाला निकल चुका है, तुम लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, सुन लिया ना? जाओ। इस हिंदुस्तान को हिलाकर रखने के लिए ही हम लोग नकली नोट छापते थे। उन नकली नोटों को बाजार में लाने के लिए ही हमने गांव-गांव में फाइनेंस कंपनी खोली थी, है ना? अब हम लोग तमाम फाइनेंस कंपनियों को बंद करके मुंह पे उंगली रख के चुपचाप खड़े हैं। अब क्या करेंगे? हम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं भाईजान। क्यों? वो कब क्या करे क्या पता नहीं। कौन? आजाद। ये हाथ में पुस्तिलों के लिए कोई जगह नहीं है। किशनचंद को फोन लगाओ। बहुत सही कहते हो, धोखा देने वाली फाइनेंस कंपनी के हम दोनों मालिक हैं। बात अगर बाहर आई तो हम मुख्यमंत्री नहीं भिखारी बन जाऊंगा। जोश में मत आओ किशनचंद, अब अगर जोश में आओगे तो तुम फंस जाओगे। कैसे? दुनिया को धोखा देने वाली उस फाइनेंस कंपनी के तमाम कागजात तुम्हारे नाम पर है। घबराओ मत, किसको कब कैसे बचाना है देवा जानता है। देवा!